स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, सेंटेंस, जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। अब हम लोग इस सेंटेंस के कुछ पार्ट्स को देखेंगे, कुछ अंग को देखेंगे। किसी भी सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं प्रीडिकेट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता या उद्देश्य या विधेय, कर्ता या उद्देश्य या विषय। और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे भी हम लोग कर्ता कहते हैं। यानी काम करने वाला भी कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह भी कर्ता। अर्थात यह कर्ता जो है वाक्य का एक मुख्य अंग होता है। जैसे रानी इज ए गुड गर्ल, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? रानी के बारे में बताया जा रहा है कि रानी एक अच्छी लड़की है। अर्थात इस वाक्य में रानी सब्जेक्ट हुआ। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रानी रीड्स ए बुक, रानी किताब पढ़ती है। यानी किताब पढ़ने का काम कौन कर रही है? तो रानी कर रही है। तो यह रानी यहां भी यह सब्जेक्ट का रूप लिया। इसी प्रकार कुछ वाक्यों को हम देखते हैं और प्रेडिकेट के बारे में हम समझते हैं। वाक्यों को हम ध्यान से देखते हैं,
पहला वाक्य है माई सिस्टर इज ब्यूटिफुल, मेरी बहन सुंदर है। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? मेरी बहन के बारे में बताया जा रहा है। यह सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के अलावे जो भी पार्ट सेंटेंस में बच जाता है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे माई सिस्टर सब्जेक्ट हुआ, इज ब्यूटिफुल, यह हो गया प्रीडिकेट। ठीक उसी तरह योर ब्रदर इज टॉल, यहां लंबा कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो योर ब्रदर के बारे में, अर्थात योर ब्रदर यह सब्जेक्ट हुआ और बाकी बचे हुए हिस्से इज टॉल या प्रीडिकेट हुआ। ठीक इसी तरह सुमन प्लेड क्रिकेट, सुमन क्रिकेट खेला, खेलने का काम किसने किया? सुमन ने किया। सुमन यह सब्जेक्ट हो गया और प्लेड क्रिकेट या प्रेडिकेट हो गया। अब हम प्रेडिकेट को भी हम कुछ हिस्सों में बांटते हैं। इसमें इसको हम कहते हैं वर्ब और इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट काम करने वाला सब्जेक्ट और जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो वह हो गया वर्ब। यानी सुमन खेलता है, सुमन क्या खेलता है? तो यह खेलने की जो क्रिया हो रही है, यह जो एक्शन हो रहा है, इसे हम कहेंगे वर्ब। अब एक्शन किस पर हो रहा है? सुमन खेला, क्या खेला, एक्शन किस पर हुआ? तो वह हुआ क्रिकेट पर। यानी जो जिस पर एक्शन हो या जिस पर काम का फल पड़े उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी भी सेंटेंस के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा वर्ब क्रिया और तीसरा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। और इसके बाद उसमें और सारे कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें यह सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना होगा। और इसके आगे फिर मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।